अशियो हॉल एंड मैंने ऑर्डर किए थे दो कुर्ता सेट्स एंड एक प्रॉपर कुर्ता. सो कुर्ता सेट्स जो है वो मैंने ऑर्डर किया है फॉर ऑफिस वियर एंड एक्चुअली ये तीनों के तीनों कुर्ता सेट एंड कुर्ता ऑफिस वियर है. सो आज का व्लॉग प्रॉपर ऑफिस वियर व्लॉग के लिए है. व्लॉग के लिए ओके सो सॉरी फॉर दैट. ओके सो मैंने फर्स्ट जो आपको देखोगे कुर्ता ये है ब्लू कलर में, सेकेंड इज इन रेड कलर. सो ये ना पता ही नहीं चलता है सीधा है उल्टा है. सो सेकेंड इज इन रेड कलर एंड द थर्ड वन इज इन दिस ब्यूटिफुल सी ग्रीन कलर और आई थिंक उसी के रिलेटेड कलर है. सो इट इज सो ब्यूटिफुल एंड मुझे बहुत अच्छे लगे तीनों के तीनों कुर्ता सेट्स. एंड ये प्रॉपर कुर्ता सेट है विद बॉटम वियर. दिस इज ऑल्सो कुर्ता सेट विद बॉटम वियर बट जो रेड वाला है ये प्रॉपर एक कुर्ता है. सो या ओके सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तीनों में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में एंड की प्रॉपर वीडियोज मैं आपको दिखा दूंगी आगे तो आप वो भी देख सकते हो. एंड या लेट्स स्टार्ट. ओके सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल कुर्ता एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था एंड बेसिकली द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज थ्री कुर्ताज तीनों के तीनों ना समर वाइब्स के लिए परफेक्ट हैं एंड प्रॉपर कॉटन स्टफ के हैं. सो यू आर गोना लव इट एंड ऑल्सो बजट फ्रेंडली है. ये आई थिंक अराउंड 900 समथिंग का था एंड ये ब्रांड है जनसिया आई थिंक. सो सॉरी फॉर इफ आई एम प्रनाउंसिंग इट रॉन्ग. सो ये दोनों के दोनों उसी ब्रांड के हैं, सेम ब्रांड के हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड इनका प्राइस भी स्क्रीन पे लिखा होगा एंड दिस वन ओके. सो आई थिंक दिस इज अ मिस. मैंने ये प्लान नहीं किया था, आप यकीन नहीं करोगे बट सच में मैंने ये प्लान नहीं किया था एंड ये तीनों के तीनों एक ही ब्रांड के हैं. तीनों मतलब बिलीव करोगे, मैं नहीं कर रही खुद यार, मैंने खुद ऑर्डर किया पर मुझे लग नहीं रहा था कि सेम ब्रांड बट या दिस इज तीनों के तीनों सेम ब्रांड के हैं. ओह माय गॉड मुझे शॉक लग गया है तो. और ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इससे मैंने पहले स्टार्ट किया था शायद. ओके इट्स ओके इससे स्टार्ट करते हैं. ओके सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लू कलर एंड एज यू नो इफ यू नो मी तो आपको पता होगा मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है. तीन साल से आई थिंक आई एम ऑन यूट्यूब एंड अच्छे से मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर ही रेगुलर कंटेंट डालना एंड तब से तो आपको पता ही होगा कि मैं ब्लू कलर में बहुत ज्यादा ऑर्डर करती हूँ. मेरे पास ब्लू कलर का बहुत ज्यादा क्लोथ्स हैं. सो आई लाइक इट एंड मुझे बहुत पसंद आया था ये ब्लू कलर एंड स्पेशली यहाँ पे जो उसका नेक है ना सो ब्यूटिफुल. ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है ये एंड हमेशा ऑफिस वियर में ज्यादा हम इतनी देर बैठ रहे हैं तो थोड़ा स्टाइलिश चाहिए और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी चाहिए. सो दिस इज द परफेक्ट एथनिक वियर जो स्टाइलिश होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है एंड थोड़ा सा अच्छा रिच वाइब भी देता है. सो दिस इज लव. ओके सो इसका जो प्लाजो है वो कुछ इस तरह से है. लेट मी जस्ट शो यू. ओके सो इसका प्लाजो इस तरह से है. आगे बेल्ट नहीं है, पिछली साइड बेल्ट है. आपको प्रॉपर बेल्ट मिलेगी एंड ये थोड़ा इतना ज्यादा लूज नहीं है, मतलब जैसे खुले वाला प्लाजो नहीं है एंड इसकी नीचे से पजामी जो है आपको इतनी मतलब प्रॉपर टचिंग की मिलती है, प्रॉपर स्किन टचिंग होती है. यहाँ पे थोड़ा सा स्लिट है नीचे सो दैट्स गुड एंड मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया कुर्ता एंड आई लाइक इट एंड इसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसकी जो मैंने वीडियोस बनाई होंगी वो भी आपको थोड़ी मैं आगे दिखा दूंगी एक बार कि आपको मे बी स्टार्टिंग में शो मिल गई होंगी वीडियोस जो मैंने इसको स्टाइल किया था जैसे भी ऑफिस में. एंड मजे की बात है जिस दिन मैंने इसको स्टाइल किया था उस दिन बारिश हो गई थी तो बारिश वाली वीडियोज हैं वो सारी की. मेरे कपड़े थोड़े से गिल्ले हो गए थे, हम बारिश में घूम रहे थे ऑफिस ब्रेक में ही, बाहर नहीं ऑफिस ही मतलब बिल्डिंग में ही थे एंड थोड़ा सा भीग गए थे तो वो वीडियोस आपको दिख जाएंगी एंड आई लाइक इट. ओके एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इसका कलर बिल्कुल नहीं उतरता. ये तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जब इसमें थोड़ा सिल्ला हो गया था ये और बिल्कुल भी कलर इसका नहीं उतर रहा था. तो इसके लिए तो मैं वैसे ही श्योर हो गई हूँ कि इसका कलर बिल्कुल नहीं उतरेगा एंड मुझे बहुत पसंद आया. कम्फर्टेबल था ये बहुत ज्यादा, मतलब
लग नहीं रहा था कि आप बहुत ऐसे होता है ना, घर के कपड़ों में आप कंफर्टेबल रहते हो, बट जब आप बाहर के कपड़े पहनते हो या ऑफिस वेयर पहनते हो तो आपको बहुत ऐसा होता है कि इतने ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं या मतलब अच्छा फील नहीं होता, कंफर्टेबल फील नहीं होता। बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आई वॉज कम्फर्टेबल होल डे, सो आई लाइक इट अ लॉट। ओके सो लेट्स नाउ मूव टू दिस कुर्ता फर्स्ट। सो ये कुर्ता जो है मुझे पसंद तो आया था, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मुझे ये थोड़ा ओवर साइज लग रहा था, बेसिकली ओवर साइज कुर्ता है या थोड़ा इसकी जो बाजू है थोड़ी इस तरह से बलून शेप बाजू है आगे हाफ यहाँ से ना, एज यू कैन सी। सो यहाँ पर भी सेम एंड ऑल्सो यहाँ पर भी, यहाँ से ना थोड़ी देखो ये थोड़ा यहाँ पे डिजाइन बन रखा है, प्लेटें सी ढल रखी हैं जिसकी वजह से जब आप इसको डालते हो ना थोड़ा बैलून शेप देता है ये, एंड थोड़ा खुला खुला ओवर साइज है तो थोड़ा खुला खुला रहता है। तो मुझे समर्स में कुछ इस तरह से कपड़े बहुत पसंद आते हैं, लूज लूज हों, ओवर साइज हों, आई लाइक खुले खुले कपड़े पहनना समर्स में स्पेशली। सो मुझे इस तरह से बहुत पसंद था, मतलब लेना चाहती थी इसको। एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसका स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड आई रियली लाइक इट एक्चुअली। बट आई थिंक इसमें कुछ चीजें सही हो सकती थी जो मेरी वजह से सही नहीं है, बिकॉज मैंने इसको साइज अप ऑर्डर किया तो मुझे इसको साइज नॉर्मल साइज में ऑर्डर करती हूँ ज्यादा अच्छा लगता, थोड़ा ज्यादा लूज ना होता। अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। इसकी साइज लेंथ, सो इसका लेंथ प्रॉपर है, लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। एंड इसका जो प्राइस भी है, मतलब इस जितने का मुझे मिला था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली प्राइस राइट नाउ, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इट्स वेरी वेरी जेन्युइन प्राइस एंड आई लाइक इट एक्चुअली, आई मीन इट्स वेरी वेरी गुड। इसको स्टाइल किया था मैंने अपनी फ्रेंड के साथ, हम लंच ब्रेक पे गए थे, सो वहां पे स्टाइल किया था, आपको वहां की भी वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए, सो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। सो या आई लाइक इट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज। ओके अगे से थर्ड नंबर पे है हमारा ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता जिसको मैंने अभी तक स्टाइल नहीं किया है, एंड आई थिंक आई एम गोना स्टाइल दिस कमिंग वीक। सो दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली एंड मुझे पसंद आया ये। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डल है एज कम्पेयर टू दीज टू, बट स्टिल आई लाइक इट अलॉट। एंड यहाँ पे लेस लगी हुई है ना, दिस सो ब्यूटीफुल, व्हाइट कलर की है, आई थिंक इट्स विजिबल, इज सो ब्यूटिफुल। सेम विद द स्लीव्स, ब्यूटिफुल है ना, एंड लुक एट द डिजाइन, ओ एम जी इट्स सो ब्यूटिफुल एंड आई एम श्योर इट्स गोना लुक ब्यूटिफुल आफ्टर द स्टाइल। एंड इसका जो प्लाजो है वो सेम है, ओके दिस इज द प्लाजो, ओके सो दिस इज द प्लाजो, आगे से सेम बेल्ट नहीं है, पिछली साइड बेल्ट है प्रॉपर। एंड इसका भी आपको टाइट वाला ही मिलेगा प्लाजो, एंड जो कि यहाँ से कट है, सेम सेम दोनों का सेम ही है, वो भी वैसा ही था ब्लू वाला भी, एंड ये भी वैसा ही है। सो दिस इज द प्रॉपर कुर्ता सेट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसकी लेंथ भी सही है, अच्छी लग रही है, सो ग्रेट। सो इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।